हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट आज हमारी जमीमा 3 से ही एक और वीडियो है। पहले मैं आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ जमीमा 3 की कि कम्युनिटी में किस तरीके से प्लेसमेंट करनी चाहिए, और आज कम्युनिटी मिडवाइफ की CMW जो होती हैं उनके बैग में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो उसमें स्टूडेंट क्या है कि सबसे पहले जो है आपके बैग में फीटोस्कोप का होना ज़रूरी है, बीपी ऑपरेटर्स का होना ज़रूरी है, थर्मामीटर का होना ज़रूरी है, स्टेथोस्कोप का होना ज़रूरी है, और सेफ डिलीवरी किट का होना ज़रूरी है, वेट मशीन बच्चे की जो वज़न चेक करना वेट मशीन का होना ज़रूरी है, और मापने वाला आला जो भी इसको भी हम बोलते हैं ये भी होना ज़रूरी है, और औजार और आलात यानी कि स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंटेशन का होना ज़रूरी है, स्प्लिंट और इन्फ्यूजन कोई भी जो हम देंगे वो होना ज़रूरी है, कैनूले का होना ज़रूरी है, स्टॉपर का होना ज़रूरी है, लिग्नोकेन 2% का होना ज़रूरी है, ज़ख़म सीने का सामान जिसमें स्टिचेस और ये चीज़ें होती हैं कैटकेट वगैरह सिल्क इनका होना ज़रूरी है, पेशाब का तजिया करने के लिए बोतल का होना ज़रूरी है, हीमोग्लोबिन जो चेक करवाना है उसके लिए बोतल्स का हीमोग्लोबिन बोतल का होना ज़रूरी है, ब्लड ग्रुप किट का होना ज़रूरी है, और प्लास्टिक शीट का होना ज़रूरी है, पार्टोग्राफ चार्ट का होना ज़रूरी है, पेशाब की नलकी अगर यूरिन कैथेटर का होना ज़रूरी है, यूरिन बैग का होना ज़रूरी है, एंटीबायोटिक का आपके पास होना ज़रूरी है, उसमें मॉक्सिन हो सकती है और कैलामॉक्स सेफोटैक्सियम हो सकती है, और मेट्रोनेडाजोल जो गोलियां फ्लाइजल का होना ज़रूरी है, और फिर उसमें जो हैं कैप्सूल्स जो हैं सेफ्सपेन कैप्सूल्स या टैबलेट ऑगमेंटेन पेन किलर टैबलेट पॉन्स्टोन इनका होना ज़रूरी है, मैग्नीशियम सल्फेट का आपकी किट में होना ज़रूरी है, अगर औरत को झटके दौरे आ जाएं तो उसके लिए पैरासीटामोल गोली का होना ज़रूरी है, अगर औरत को बहुत ज़्यादा दर्द हो या बुखार की कंडीशन आ जाए पायोडीन जरासीम कुश मरकब का होना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन का होना ज़रूरी है, डिस्पोजिबल सिरिंजेस का होना ज़रूरी है, आयरन फोलिक एसिड की गोलियाँ कैप्सूल इनका होना ज़रूरी है, मायहमल यानी कंडम और गोलियों का, यह एक CMW का बैग होता है उसके अंदर ये इमरजेंसी में सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर आपको किसी बात की समझ ना आई हो तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप इस जो है इसको देखिएगा, ये आपकी काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो आप इसको लाइक करें शेयर करें अगर आपको पसंद आए तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।